जिला पुलिस राजगढ़ द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते अपहरण, बलात्कार एवं महिला संबंधित अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा इस हेतु अभियान चलाकर अपराधों के निकाल के लिए जिला पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सारंगपुर श्री पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना सारंगपुर की पुलिस टीम द्वारा आरोपी की धरपकड़ की गई। दिनांक 18 जून को नाबालिग ने थाने में आकर लिखित आवेदन पेश किया कि मेरी रिश्ते की मामी कविता मालवीय द्वारा मुझे राहुल निवासी ग्राम कालू खेड़ा के पास छोड़ दिया गया। राहुल ने मेरे साथ खोटा काम किया। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और वहां से भाग गया। नाबालिग की रिपोर्ट पर थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 324/20, धारा 363, 366, 376, 109, 506, 34 IPC 5/6, 16/17 पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस टीम ग्राम कालू खेड़ा पहुंची, जहां से आरोपी राहुल, पिता रामलाल डोम उम्र 21 साल निवासी कालू खेड़ा एवं कविता मालवीय पति गोविंद मालवीय उम्र 22 साल निवासी कालू खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम के उप निरीक्षक भूरी भील थाना पचोर, सहायक उप निरीक्षक सज्जन सिंह ठाकुर, R411 अमन खान, आरक्षक 659 दिवाकर वर्मा, महिला आरक्षक 738 अनीता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कल एक नाबालिग लड़की ने थाने पर आकर रिपोर्ट की थी कि 14 तारीख को ये अपने मामा के यहाँ गई थी। उसके मामा के पड़ोस में रहने वाली कविता ने लड़की को बहला फुसला कर ले जाकर लड़के राहुल के पास छोड़ दिया था और राहुल ने उसके साथ बलात्कार किया है। इस पर से थाने पर अपराध क्रमांक 324/376 पास्को एक्ट 5/6, 16/17 और 109 IPC के अंतर्गत अपराध क्राइम किया गया था। आरोपियों को तत्काल घेराबंदी कर आज पकड़ा गया है। इनको न्यायालय पेश किया जाएगा।